तो दोस्तों मुझे कई बार मैसेज आया है किट के बारे में, मुझसे बार बार पूछते हैं ये कनेक्शन कैसे होगा, ये कनेक्शन कैसे होगा। मुझे भी काफ़ी दिक्कत हो गई है बता बता के, तो आज मैं इस पे एक वीडियो भी बना देता हूँ। मेरे पास एक किट आई है, किसी को सिखानी है किट लगानी, तो बता देता हूँ अच्छे से कैसे लगेगी किट किसी भी कलर टीवी ट्यूब में, चाहे अल्ट्रा स्लिम हो या नॉर्मल हो। तो किट लगाने के लिए सबसे पहले ये रही किट, मेन लीड मैंने इसमें लगा दी है। किट सही है नहीं है ये अभी नहीं पता, खैर हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें किट लगती कैसे है। तो सबसे पहले जो है आप ये ESD की कैप लगाइए ट्यूब के अंदर, ये ESD की कैप, ठीक है, इसे नहीं भूलना है। तो इसलिए सबसे पहले इसको आप लगा लो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी हाई वोल्टेज इसमें होती है और बहुत रिस्की है ये करंट। तो सबसे पहले ये आप ट्यूब पर लगा लो, ट्यूब में एक होल होगा, ये ऐसे आप पकड़ो, पहले एक ये अटकाओ और इसे दबा के फिर ये दूसरा नीचे करो और ये लगा दो, ठीक है। ये लगाने के बाद आप ट्यूब में ये बेस लगा दो, और ताकत से काम नहीं लेना है बेस लगाने में, जब फिटिंग हो जाएगी अच्छे से तो वो आराम से चली जाएगी, ताकत लगाने में ट्यूब टूट सकती है, तो ध्यान से कोई भी काम ताकत से नहीं, आराम से। इसके बाद आते हैं योक के कनेक्शन, ये बाद में करते हैं, पहले ग्राउंड की वायर लगा लेते हैं। ट्यूब पे एक वायर होती है कॉपर की, बीशोल्ड विक जैसी ये लगी हुई है, ये वायर ये ट्यूब में फैली हुई होती है, इस पे से एक वायर आती है सिंगल। एक तो ये डिकोजिंग होती है, ट्यूब पे पैच वगैरह आते हैं जो इसकी दिक्कत की वजह से आते हैं, ये मोटी वायर जो है ना ये डिकोजिंग है, क्या है ये डिकोजिंग है, इससे ये पैच वगैरह आते हैं उसको दूर करने के लिए लगाए जाते हैं। और इसकी कनेक्टर हमेशा 2 पिन की होती है, और ये जो सिंगल वायर है ये होती है ग्राउंड, ये लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है और अच्छे से ही करना है काम, आराम से कोई जल्दबाजी नहीं। ये भी एक काम का नियम है, काम करते वक्त जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, जो काम करो बिल्कुल आराम से करो। मनीष कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, तुम्हें ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वहाँ जरिए और लोग भी समझ लेंगे। मनीष सुन रहे हो, ठीक है। तो ये ग्राउंड की वायर लगेगी, ये ग्राउंड की वायर कहाँ लगाओगे, ये जो है बेस में, यहाँ बेस में एक तरफ तो ये ऐसे गोलाई में पिनें बनी हुई होती हैं, इनके अलावा एक पिन बेस में और होती है जो बिल्कुल साइड में और नीचे होती है, ये रही वो पिन, ये रही जिस पे मैं ये चिमटी लगा रहा हूँ, और ये जो पिनें हैं ये साइडों में हैं ऐसे एक साथ गोल गोल, तो ये तो कलर वगैरह की हैं हीटर की। ये होती है ग्राउंड, हमें यहाँ लगानी है ट्यूब की ग्राउंड, या बेस में कई बार फिल्टर भी लगा हुआ होता है 250 वोल्ट वाला, देख लेता हूँ इसमें है या नहीं। तो इसमें ढाई सौ वोल्ट वाला फिल्टर तो नहीं लगा बेस के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये एक पिन लगी है, इस पिन से भी आप पहचान सकते हो ये ग्राउंडी की पिन है। अगर पिन नहीं होगी, फिल्टर भी नहीं होगा, तो आप जो है कहाँ लगाओगे, आप लगाओगे जो बेस में सबसे साइड वाली पिन होती है, ये जो पिन है यहाँ साइड में, ये देख पा रहे हो ना, अलग से लगी हुई है बिल्कुल, ऊपर से भी दिख रही है और फिर ये पीछे PCB पे भी दिख रही है, ये रही अलग से जो लगी हुई होती है बिल्कुल। और चाहो तो आप नीचे से ग्राउंड से यहाँ बीप करा के देख लो, तो जिस पे बीप कर रही है वही ग्राउंड है, तो यहाँ लगेगी ये ग्राउंड, इसे भी आपको अच्छे से समझना होगा कि ये ग्राउंड पे लगेगी ये पिन, और ये आपस में जुड़ी हुई हैं, यहाँ लगाने में थोड़ा आसानी है तो यहाँ लगा दे रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले कैप लगानी है अपनी, ठीक है, कैप के बाद ये बेस लगानी है और बेस को ये ग्राउंड देनी है। अब बात बारी आती है ये कनेक्शन की, योक के कनेक्शन। योक में ये नीचे वाले जो ये 2 कनेक्शन हैं ये ओरिजेंटल हैं चौड़ाई के लिए, और ये जो ऊपर के 2 हैं ये वर्टिकल के हैं लंबाई के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये ओरिजेंटल वाले लगाएंगे, चौड़ाई वाले,
ये और ये दोनों नीचे वाले चौड़ाई के होते हैं, ठीक है, योक में। ठीक भाई मनीष, तो तुक्के से नहीं लगानी है और समझ के लगानी है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा कनेक्शन का आएगा, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल और ऊपर के वर्टिकल। और एक बात और है, जो टीवी आते हैं हॉरिजॉन्टल वालों में ब्लू और रेड वायर यूज़ करते हैं, ठीक है, मैंने तो अलग से लगा रखी है वायर, रिबन वायर लगा रखी है, और जो कंपनी की तरफ से आएगी उसमें रेड और ब्लू देते हैं हॉरिजॉन्टल में, ग्रीन और येलो देते हैं वर्टिकल में। तो अगर नहीं भी दे रखी है तो भी आपको उसका मोहताज नहीं रहना है, आप भाई ये देखो कि ये नीचे वाली पिन है ये हॉरिजॉन्टल और ऊपर वाली वर्टिकल। नीचे हॉरिजॉन्टल कहाँ लगानी है, ये योक की ये पिने हैं, ये कनेक्टर है योक वाले कनेक्शन की, ठीक है, जो ये गैप में जो दो पिने होती हैं गैप में, ये होती हैं हॉरिजॉन्टल, और जो ये पास पास में हैं दो, ये वर्टिकल है। और नीचे से अगर आप देखोगे तो जो पिन ब्यू की बीच वाली पिन पे जुड़ी होती है, जैसे कि ये वाली जो पिन है ये ब्यू के बीच में जुड़ी हुई है, ये रही बीच वाली पिन, ब्यू की बेस और इमीटर ये रही, ऊपर से देख लो एक बार ब्यू, ये लगा हुआ है ब्यू इसका, ये लगा है ना, इसकी बीच वाली पिन पे जो पिन कनेक्ट होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल, और उसके साथ वाली होती है वो भी हॉरिजॉन्टल। तो बीच वाली पिन पे ये पिन है तो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ एक कनेक्शन, इन दोनों में से कोई सा भी आप लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके साथ वाली जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, याद रहेगी ये बात। और जो वर्टिकल है तो जो अब दो पिनें बच गई हैं वो वर्टिकल की हैं, और दोनों वर्टिकल की पिनें वर्टिकल आईसी से जुड़ी हुई होती हैं, तो इनमें से दोनों वायर में जो है कोई भी किसी में भी लगा दूंगा जो दो बची हुई हैं। इस कनेक्शन का सही लगना ज़रूरी है, पर अभी मैं लगा दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में लगे, वर्टिकल वर्टिकल में लगे, इस बात का बस खास ध्यान देना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ना जाए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ना जाए, ये गड़बड़ ना हो। अभी हॉरिजॉन्टल की मैंने दो वायर लगाई है ना, ये इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, वर्टिकल की दोनों इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, होगा क्या कि अगर वर्टिकल वाली ये कनेक्शन उल्टे हो जाएंगे यहाँ तो पिक्चर उल्टी आएगी, तो इन कनेक्शनों को पलट दो आप, पिक्चर सीधी हो जाएगी, और ये दोनों अगर इस समय मेरे से उल्टे लग गए होंगे तो पिक्चर में जो लिखा हुआ आता है फंक्शन वगैरह जो भी, वो उल्टा लिखा हुआ आएगा, जैसे आप शीशे में देख रहे हो, तो ऐसा लिखा आ रहा है तो आप इन दोनों तार को पलट दो तो वो लिखा हुआ सही हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आती है अगर गलत लग जाओगे, तो इस समय अगर लिखा उल्टा आ रहा होगा तो मैं ये तार पलट दूंगा, और पिक्चर उल्टी आ रही होगी तो ये वाली तार पलट दूंगा आपस में, ठीक है, यहाँ से और यहाँ नहीं पलटूंगा, कनेक्टर की पिने नहीं, सिर्फ इन वायरों को, वर्टिकल वाली वायर को येल्लो को इधर कर दूंगा, ग्रीन को इधर कर दूंगा, और लिखा उल्टा आ रहा होगा तो ब्लू को इधर और वायलेट को इधर कर दूंगा, तो हो गए कनेक्शन, ठीक है, फोटो खींचने से नहीं होगा, तो समझने में ज्यादा ध्यान लगाया करो, ये दे देना बस, आपको क्यों दूं, सभी के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या रह गया, एक ये रह गया योक का कनेक्शन, इसका डिकोजिंग का कनेक्शन, ये कहाँ लगेगा, ये पीटीसी लगा हुआ होता है ये रहा, ठीक है, ये पीटीसी के पास जो कनेक्टर होगी वहां लगेगा, ऐसे पीटीसी के पास, और फ्यूज के पास जो कनेक्टर होती है फ्यूज से जुड़ी भी, क्या फ्यूज से जुड़ी कनेक्टर है वो एसी मेन लीड की है आपकी, और जो पीटीसी से जुड़ी कनेक्टर है वो डिकोजिंग की होती है, ये नहीं लगाओगे तो पिक्चर में धब्बे आएंगे गोल गोल साइडों में या कहीं भी पैच आएंगे रंग बिरंगे। अब इसमें क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, वो अपना आई आर पैनल जोड़ो यहाँ पे और स्पीकर जोड़ो, ठीक है, ये स्पीकर के कनेक्टर है, यहाँ अपने स्पीकर लगाओ, और ये जो कनेक्टर दिख रही है इसमें आप यहाँ की लगाओ और यहाँ अपना सेंसर और एलईडी लगाओ, ठीक है, इसके साथ में होता है, चलाओ इसे देखें किट सही है नहीं सही है, लगा दिए लगती है ऐसे ये किट, निकालना ही बताता हूँ, निकालने का भी तरीका होना चाहिए, वहाँ से बटन ऑन करो, डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट लगा दो,
ऑन करो बटन। अब ट्यूब अगर ऑन होगी तो यहाँ दिख जाएगी, यहाँ से देख लिया करो, यहाँ फिलामेंट जलेंगे तो यहाँ दिख जाता है कि ऑन हुई या नहीं। फिलहाल ये ऑन नहीं हुई है, ठीक है। मैं एक बार सप्लाई अप्लाई देख देता हूँ, क्योंकि ये किट चेक नहीं करी ना अभी तक हमने, है मनीष, हमने एक बार भी लगा के नहीं देखी है सही है या ख़राब है। पाउस कर दो, बराबर पाउस कर दो, लाओ मीटर दो। तो दोस्तों ये किट में फॉल्ट है, ठीक है, वो तो मैं अपने करूँगा बाद में। फिलहाल मुझे सिर्फ आपको इतना बताना था कि ये किट लगाई कैसे जाती है। तो सबसे पहले आप ये ESD कैप लगाओगे, फिर ये बेस लगाओगे, और बेस पे ट्यूब से आने वाली ग्राउंड ज़रूर लगाओगे, ठीक है, और उसके बाद आप अपने ये योक के कनेक्शन करोगे। वो मैंने आपको बताया, नीचे ओरिजेंटल के कनेक्शन होते हैं ये दो, और ये वर्टिकल के होते हैं। ओरिजेंटल वाली नीचे पिने कौन सी होती है, नीचे पिने ओरिजेंटल वाली की एक दो पहचान है। पहला कि ओरिजेंटल वाली पिनों में गैप होता है, जैसा कि यहाँ गैप दिख रहा है कि यहाँ गैप है इन दोनों पिनों के बीच में, तो ये ओरिजेंटल हो गई। और जो गैप नहीं है बीच में ज़्यादा, कम गैप वाली जो पिने हैं, ये वर्टिकल की हैं। दूसरा तरीका क्या है कि गैप ऐप अगर छोड़ दो तो ओरिजेंटल वाले कनेक्शन जो हैं उस पर लगेंगे जो पिन व्यू की बीच वाली पिनों से जुड़ी होगी, उस पर और उसके साथ वाली पिन पर, अभी मैंने आपको नीचे दिखाया था। और जो दो पिनें वर्टिकल IC पे जा रही हैं, यहाँ वर्टिकल IC पे ये लगी हुई है खड़ी IC, वर्टिकल IC ये, तो जो दो कनेक्शन इस पे जा रहे हैं वो वर्टिकल के हैं, उन दोनों पे लगेंगी ये वाली दोनों वायर उन पे लगेगी। अगर आपकी पिक्चर उल्टी आ रही है तो आप नीचे से ना छेड़ो, आप ऊपर से ये तार येल्लो वाली इधर कर दो और ग्रीन वाली इधर कर दो, तो पिक्चर सीधी हो जाएगी। और ये वाली अगर आपसे गलत लग गई है दोनों, तो लिखा हुआ आपको उल्टा दिखाई देगा, जैसे आप शीशे में देख रहे हो, तो ब्लू वाली इधर कर दो और ये इधर जो वायर है जो भी कलर की है उसको इस साइड में कर दो, तो लिखा हुआ सही हो जाएगा। और अब मैं बताता हूँ किट निकालते कैसे हैं। किट निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ये ग्राउंड वाली जो वायर है इसको, किट निकालने के लिए ये वीडियो बंद तो रही है, इसी में देख लेना, कोई अलग वीडियो आएगी। 4K मोबाइल है क्या? ठीक है, पहले यहाँ देखते तो रहो यार, पहले समझा करो उसके बाद लिखा करो। सबसे पहले निकालने के लिए ग्राउंड की वायर निकलेगी, ठीक है। और कई लोग डिस्चार्ज करते हैं इसको, यहाँ पे कैप हल्का सा उठा के पहले डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि ट्यूब भी फिल्टर कैपेसिटर की तरह चार्ज हो जाती है और बहुत करंट होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा टेंशन वाली बात होती है। ये तो वैसे आराम से निकल गई, अगर कोई हार्ड है कैप तो कैसे निकालोगे? अगर हार्ड कैप है तो कैप क्या है, एक तरफ इधर गई हुई है और इधर गई हुई है, तो इसको कैप तो पकड़ो, यहाँ बीच में से इसको दबाओ, दबाने के बाद पहले एक साइड कर लो और उठा लो, और फिर दूसरी साइड से ऐसे कर लो, और ये कैप ऐसी निकल जाती है। इसलिए आपको डिस्चार्ज वगैरह या पेचकस वगैरह अंदर नहीं लगाना होगा, पेचकस अंदर डालने में कई बार करंट लग जाता है हाथ पे। तो सबसे पहले ग्राउंड निकालनी है, फिर ये कैप निकालनी है, और कैप निकालने के बाद आराम से ये देख लो, ऐसे सीधा सीधा नहीं खींचना, हल्का हल्का हिला के, ना नीचे ज़्यादा जाना है ना ऊपर, बस पीछे की तरफ को रहना है, और ये ऐसे आराम से निकालनी है। तो ये ऐसे फिट निकलेगी, और आप अपनी कनेक्टर निकाल दो, और अगर वायरिंग है तो अपनी वायरिंग निकाल दो। ये होता है किट लगाने और निकालने का प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। और कोई चीज़ होगी तो मैं आपके लिए आगे भी, और टॉपिक जिसके मुझे अगर मैसेज आएंगे या कोई दिक्कत आएगी तो मैं बनाता रहूँगा। हाँ बंद करो।